हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईरान एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो आज हमने जो स्टडी करना है उसका नाम है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी कोई ग्राफ बनाना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो एक्सिस बनाते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, तो वाई एक्सिस में इस बार क्या आ जाएगा, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा और इसका एसआई यूनिट जो कि है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और हम एरो लगाएंगे ऊपर की तरफ, और नीचे यहां पे आ जाएगा आपके पास टाइम जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो उसके लिए हम एरो यहां लगा देंगे। अब इस ग्राफ का मतलब होता है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे इसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, और जैसे जैसे मैं इस एक्सिस की तरफ जा रहा हूं इसका मतलब जो टाइम की वैल्यू है वो बढ़ रही है। ठीक है, देखिए जब भी हमने कोई ग्राफ किया है तो उसमें से हमने कुछ ना कुछ फाइंड किया है। जैसे कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था तो अगर मैं उस ग्राफ में स्लोप निकालता हूं कर्व का तो मुझे वेलोसिटी मिलती थी। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करी थी तब हमने कहा था कि अगर मैं उसका स्लोप निकालता हूं तो मुझे उसकी एक्सेलरेशन मिलती है, और अगर एरिया अंडर कर्व निकालूं तो मुझे मिलता था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज जो हम करने वाले हैं जो कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसमें हम सिर्फ एक ही चीज पढ़ते हैं कि अगर एरिया अंडर कर्व करना पड़ा तो मुझे क्या मिलेगा। तो चलिए मैं पहले आपको एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है पहले वो याद करवा देता हूं। जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकर, डिवाइड बाय टाइम टेकर। ठीक है, अब अगर टाइम को मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मुझे क्या मिलेगा वो जानने के लिए वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ डिवाइड कर दी करिए। लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि एरिया अंडर कर्व क्या होगा तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं जो कि आप यहां देख सकते हो, तो वो मुझे देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी हम बात करते हैं एरिया अंडर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम टाइम ग्राफ की, तो वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो प्लीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम एरिया अंडर कर्व निकालते हैं ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो वो वेलोसिटी नहीं, एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें तीन चार केसेस स्टडी करने हैं। पहला केस, मान लेते हैं कि अगर मेरी बॉडी जो है वो स्टेशनरी है तब क्या होगा। अगर मेरी बॉडी मूव कर रही है विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तब क्या होगा। अगर मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, सपोज अगर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा। और अगर मान लीजिए वही बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखेंगे तब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा। क्लियर है, तो चलिए अब हम केसेस को एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला केस हमारे पास आता है, मैंने बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो देखिए आप अच्छी तरह जानते हो अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब है उसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी जीरो है, और अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर दो एक्सिस बनाएंगे, जैसे कि ये हमारे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये मेरे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका यूनिट जो है वो सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज है अब यहां पे प्लीज समझने की कोशिश करना, अब यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन जीरो, इसलिए जो इसका कर्व है ना वो एग्जैक्टली इसके ऊपर ऐसे बनेगा, लाइक दिस यहां पर बनेगा। ठीक है, जो ये बता रहा है कि टाइम आपका बीत रहा है बट फिर से आपकी एक्सेलरेशन क्या है, आपकी जीरो। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट केस बताता हूं। सो नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है कि जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है, देखिए हमने आपको पहले भी कहा था कि सपोज कर लो एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है एंड एट टाइम टी इक्वल टू जीरो मान लो पोजीशन जीरो है, बट एट टाइम टी इक्वल टू वन पोजीशन मान लीजिए आपका वन मीटर हो जाता है एट वन सेकंड में,
उसके बाद एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड जो पोजीशन है वो आपका हो जाएगा 2 मीटर। तो कहने का मतलब है मैंने बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो क्या आती है, कॉन्स्टेंट आती है। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाहता हूं इसके अंदर। अगर मान लीजिए मेरी जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तो उस केस में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी जीरो आ जाती है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं कहता हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो है मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो आ जाती है। देखिए ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। अगर वी इनिशियल वी फाइनल के बराबर हो गया तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन क्या आ रही है आपकी, जीरो आ रही है ना। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर भी क्या होता है कि अगर मेरे पास ये एक्सेलरेशन है जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है और ये जो टाइम है ये आपका सेकेंड में है, तो इस केस में भी जो आपका ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का वो ऐसे आएगा टाइम के एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो याद रखना अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से अगर मूव करती है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर भी आपकी जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली ऐसा दिखता है। क्लियर, तो चलिए अब मैं आपको सेकंड केस के बारे में बताता हूं। तो सेकंड केस है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, सो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी मान लेते हैं जीरो है, ठीक है, मतलब रेस्ट पे था। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी मान लेते हैं कि मेरी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड वेलोसिटी मान लेते हैं कि मेरी अभी इस केस में हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। एट टाइम टी इक्वल टू 6 सेकेंड मान लेते हैं कि मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या हुई, इस केस में हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट, लेकिन वेलोसिटी लगातार आपकी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये है मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। कैसे फाइंड करूंगा, देखिए ये तो आपको अच्छी तरह पता है ना कि हम यहां पर क्या करते हैं, अगर मैं इस गैप की बात करूं तो वेलोसिटी में चेंज कितना है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम का चेंज कितना है, 2 का सेकेंड का, तो दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2 सेकेंड, तो आ जाएगा आंसर क्या, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। उसी तरह यहां पे चेंज कितना है, 2 सेकेंड का, यहां पे चेंज कितना है, फिर से 2 मीटर पर सेकेंड का, तो जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा है, फिर से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है ना। तो देखो वेलोसिटी आपका लगातार बढ़ रहा है, टाइम आपका लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो चेंज है हमारे वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, उसी की वजह से हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मुझे मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है, दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई जो कि है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के लिए, तो यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया लाइक दिस, और नीचे मेरे पास टाइम आ जाएगा, तो ये सेकंड में होता तो इसकी एरो ऐसे आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं एक लाइन बनाऊंगा लाइक दिस पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, जो ये बता रहा है कि टाइम बीत रहा है लेकिन जो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और क्योंकि यहां पे वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आप देख रहे हो उसकी वैल्यू 1 होगी। मान लेते ऊपर आपके पास 2 था, तो 1 पे जो टाइम आपका बढ़ रहा है 1 ही है, टाइम 2 हो गया तो भी 1 है, टाइम 3 है तो भी 1 है, तो इसके लिए जो इसका ग्राफ है वो बन जाता है आपका पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर हो गया, गुड। अब हम करेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, तो देखते हैं उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है। तो जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, तो उसका मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी थी मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड एट टी इक्वल टू 1 स्पीड आपकी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, एट टी इक्वल टू 2
स्पीड हो जाती है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एट टाइम टी इक्वल टू 3 आपकी स्पीड हो जाती है इस केस में क्या, दैट इज 0। तो मतलब क्या है कि गाड़ी इनिशियली मूव कर रही थी, उसने एकदम से ब्रेक लगाई और ब्रेक जब लगाई तो वो 3 सेकंड के बाद रुक जाता है, ठीक है। और सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, बट उससे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड तो कर ले। देखिए अगर आप इसको देखते हो तो टाइम इंटरवल कितना है, चेंज 1 का, इसमें चेंज क्या है, इसमें फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, तो 4 माइनस 6 करोंगे तो आंसर कितना आ रहा है, -2। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है ना, तो -2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अब इसमें गैप देखो कितना है, 1 सेकेंड का, इसमें गैप कितना है, फिर से -2 मीटर पर सेकेंड का, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, प्लीज ये बात रखना, तो 2 माइनस 4 करूंगा, सो इस केस में भी क्या आंसर आ रहा है मेरा, -2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर हम ऐसे कर्व बनाते हैं, क्लियर। अब देखिए टाइम मेरे पास है 1, फिर ये देखिए ये मेरे पास क्या है, टाइम है जो कि सेकंड में है, और ये मेरी एक्सेलरेशन है जो कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 यहां क्या आएगा, 1, 2, और यहां पे आएगा -1, यहां पे आएगा -2, ठीक है। और अब आपकी रिटार्डेशन क्या है, कांस्टेंट है, और कितनी है, -2 ना, इसलिए आपका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो प्लीज ये बात याद रखना, क्योंकि ये एक रिटार्डेशन है और इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए ग्राफ में हम वो जो लाइन है वो नीचे की तरफ बनाते हैं, बट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो कि ये बताता है कि जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द टाइम, क्लियर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसके अंदर हमने 2-3 केसेस किए कि अगर बॉडी अगर आपकी स्टेशनरी है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए बॉडी जो है वो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब क्या होगा, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तब क्या होगा, और अगर वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन है तब क्या होगा, और उनके ग्राफ कैसे दिखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।